अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है, मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे, उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठा किया, किसके दबाव में उठा किए, क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठा किया था। सच सुनने की सामने है ये, मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उठा किया, ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा, एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट बैठिए, नो एक प्लीज बैठिए आप पहली बार, हाँ एक मिनट, कल्याण जी प्लीज, कल्याण जी कल्याण जी प्लीज, कल्याण प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट सबको मौका दूंगा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार ये सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही, वहाँ भी कई बार प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जिसको आप पूरी बात सुनिए मेरी, मेरा कहना ये है कि हम और उन राज, एक मिनट प्लीज बैठिए एक मिनट, नीट नहीं सारी, हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए, ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी, एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है, हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है, और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए, कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है, हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए।
आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो और कभी भी सारे एग्जामिनों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3 श्री डी प्रसाद राव। प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव प्रश्न नंबर 3। नौ नंबर से मैंने सदन की चिंता क्वेश्चन नंबर को बता दी है और आप सबको बता दिए। ऑनरेबल स्पीकर थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम प्रसाद राव फ्रॉम चित्तूर कॉन्स्टिट्यूएंसी आंध्र प्रदेश और बिलव्ड ऑनरेबल सीएम चंद्रबाबु नायडू गारु हैज रिक्वेस्टेड सब्सटैंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर टू हेल्प रिकंस्ट्रक्ट एंड रीबिल्ड द आंध्र प्रदेश। एक मिनट प्लीज मानसिंह, आप प्रश्न संख्या 3 है, पहले बोलो प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 माननीय मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे पहली बार आए। अब मान्य प्रश्न पूछे प्लीज सदस्य। थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनरेबल स्पीकर। दिस इज प्रसाद राव फ्रॉम चित्तूर कॉन्स्टिट्यूएंसी आंध्र प्रदेश। आवर बिलव्ड ऑनरेबल सीएम चंद्रबाबु नायडू गारु हैज रिक्वेस्टेड सब्सटैंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर टू हेल्प रिकंस्ट्रक्ट एंड रीबिल्ड द आंध्र प्रदेश विच इज फेसिंग अक्यूट फाइनेंशियल चैलेंजेस स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑनरेबल स्पीकर आई वुड लाइक टू नो from the honorable minister about the centrally sponsored schemes and projects that have been stopped or discontinued in the state of Andhra Pradesh along with the reasons for the same, the current state of the stalled or delayed schemes in the state and the reasons behind the halting and slowdown of these projects, and the reply given to the question the unutilized certificate was not furnished, it was a general reply. I request honorable speaker to furnish the utilization certificate for the funds allotted to the Andhra Pradesh for the last 5 years. Thank you very much. माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ये बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस आशय का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को प्रस्तुत किया है और भारत सरकार की इस प्रकार के सभी अनुरोधों का परीक्षण कराने के बाद ही नियमानुसरण कार्रवाई करती है तथा आंध्र प्रदेश के भी अनुरोध का भी इसी प्रकार से समुचित परीक्षण करके निर्णय परीक्षण किया जाएगा। जहां तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सवाल है के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न में बताया कि मैं उनको बताना चाहता हूं कि